हाथ ऐसे टाइट रखना, छोड़ना मत, लूज मत करना, ठीक है? मैं ही बांधू। बस बच्चे बस 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 अच्छा ही लो। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपको लेने आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। चलें, इतनी दूर से आए हम, करनाल से आए हैं, आपको लेने आए, आपको चोट लगी है, ठीक है? चलें, चलो आप आराम से आ सकती है। लो अमरुद नहीं चाहिए? अमरुद नहीं चाहिए आपको? आ जाओ ना, गुस्सा नहीं। देखो हेलो कर लो, पर गुस्सा नहीं, हेलो कर लो, ये गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बाबू, गुस्सा नहीं, प्यार से, प्यार से, प्यार से। अच्छे बच्चे आप, हेलो करो, करो हेलो करो, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, हेल्प करने तो आए थे तेरी, ठीक है? कोई मारने थोड़ी है तेरे को। लक्के पैर खोल दे इसको, ऊपर वाली रस्सी खोल दो, नीचे वाली रहने दे। बस ये बड़े हो, बस। हेलो जी, जय श्री राम, भगवान आप सभी का भला करे। भाई ये केस आया था मेरे पास अभी कुरुक्षेत्र से, और हम लोग अभी कुरुक्षेत्र जस्ट पहुँचे ही हैं। ये फीमेल मूंग की है, और आई थिंक ये प्रेग्नेंट है, और ये बीमार है, पैरालाइज है, ये चल नहीं पाती अभी। हमें पहले नीचे थी, ये बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी है, और हो सकता है गिर भी जाए। लक्की कोई चादर मंगवा लें, चादर दे देंगे दीदी। और तो अभी इसको फिलहाल रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। ओहो अगली तरफ गई वो, शिट। देखियो ध्यान से बैठे, बिल्कुल देखे, वो वॉशिंग मशीन के पीछे चला गया। भाई यहाँ पे फीमेल मूंग की एक कुरुक्षेत्र में, और अभी इसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, ऊपर चढ़े तो ये इधर से जंपिंग कर गए उधर। तो अभी इसको एक बारी चेक करते हैं हम लोग कि ये कंट्रोल ध्यान से कैसे हो, एक बारी देख ले ऊपर से, अभी नीचे ना उतरी हो जब तक कहूँ ना, है ना? बैठी है ना, पहले एक बारी उधर से देखा दे। कोई पौड़ी होगी भैया इधर, कोई पौड़ी होगी? आराम से उतरी, आराम से, बस देख के कभी अटैक ना करे इसको। ये अमरूद दे के देखे एक बारी, दूर से ही दे दे, खाती है के देख। वो सामान क्या है? नेट भी है ना में, वो बोलो तीन पैक ना जो खाना गुस्सा नहीं करते ना बाबू। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अमरूद लाओ बैठा के एक बार, अमरूद चीजी खानी है, चोट लगी है ना आपको, आपकी हेल्प के लिए आए हम, ठीक है? आ जाओ, हेलो करो, आ जाओ आ जाओ, आ गया बाहर, आ जाओ आ जाओ, ये लो ये खाओ, ये खाओ, बस ये लो गुस्सा नहीं करते, चलें ठीक हो जाओगे आप, ये
ले लो। अच्छा ही लो, जय श्री राम, जय श्री राम, हम आपको लेने आए हैं, चलो हमारे साथ चलो, चले इतनी दूर से आए, हम करनाल से आए हैं, आपको लेने आए, आपको चोट लगी है, ठीक है, चले चलो आराम से आ जाओ, ये लो अमरुद नहीं चाहिए, अमरुद नहीं चाहिए आपको, आ जाओ ना, गुस्सा नहीं, देखो हेलो कर लो, पर गुस्सा नहीं, हेलो कर लो, ये गुस्सा नहीं बाबू, गुस्सा नहीं, प्यार से, प्यार से, प्यार से, अच्छे बच्चे आप, हेलो करो, करो हेलो करो, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ये छोटे छोटे बच्चे, आ जाओ चलो चलो, अब चलो घर की तरफ चलो, डॉक्टर पे चलना है फिर आपको, ठीक है, चोट लगी है, इतनी सारी चोट लगी आपको भी, बस बस बच्चे बस, अरे बस 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 बस, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जिम मारने लगी है, जिम नहीं मारनी, क्योंकि वो दे आपको ले नहीं आई, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, छोटी रस्सी होगी थैली में, बड़ी है, लो लकी है, लो छोटी रस्सी, जी जी बस बस बस, जय श्री राम, जय श्री राम, कितना प्यारा बच्चा है, हाँ बस 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 बस, हाँ बस बस बस, नहीं लक्की को गुस्सा नहीं करना, लक्की को गुस्सा नहीं करना, ये तो कर लेंगे, ये लो गुस्सा नहीं करना, इतना देख, ये ऐसे करते हैं कोई, ये काम थोड़ी है, ये अच्छे काम है, वो दे कैसा चादर दे, बात चादर दे, आ जाओ ये आ जाओ, छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, डंडे को छोड़ दो, ना ना ना, मास्क लेगा ये रस्सी इधर से खींच, क्या नाम, हाँ ये जय श्री राम, जय श्री राम, चलो भाई आ जाओ भाई, चलो घर चलते हैं, ठीक है, गेट खुल गया, आ जाओ लक्की, ये हाथ टाइट रखना इसके दोनों, इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, हाथ ऐसे टाइट रखना, छोड़ना मत, लूज मत करना, ठीक है, मैं ही बांधू, बस बच्चे बस, कोई बात नहीं, हेलमेट पाओ पहले, कोई नहीं, चक्कू है कैसे इसमें, नहीं इसकी आंख में लग जाएगा भाई, चलो मैं ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे तो गड़बड़ कर रहे हो आप, टाइट रखे बस, वैसे कुछ नहीं कर रही अब, इसको पता लग गया, इसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, ऐसे हेलमेट टाइट हो गया, बस ऊपर कर दो, इसको 2 मिनट रिलैक्स होने दे, इसको थोड़ा, हाँ बस, हाँ बस 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 बस, ठीक है, ठीक है, बस
अच्छा हेल्प करने तो आए थे तेरी, ठीक है कोई मारने थोड़ी है तेरे को। लक्की ये पैर खोल दे इसका, ऊपर वाली रस्सी खोल दो, नीचे वाली रहने दे बस। ये बड़े वाले बस। कोई बड़ी पेटी मिल जाएगी दीदी, बड़ी पेटी मिल जाएगी कोई, ये टोकरी छोटी पड़ जाएगी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है बेचारी, नहीं तो इसको ऊपर ले चलेंगे चादर में, है ना। चादर करो, चादर फोल्ड करे करे, हमें मजबूरी में इधर से ही चाबना पड़ा। चलो आज मेरे साथ चलो बस, ऐसे लेट जाओ, लेट जाओ। चलो कहाँ से उठाऊं, इधर से ही होगा ना रास्ता। सामान उठा ले, वो अमरूद भी उठा ले, इसको अमरूद दे दियो, ये उठा ले, सामान उठा ले, बता दे आपको। आ जाओ, जय श्री राम। आप क्या करते हो फिर आप? मैं मीडिया से हूँ यहाँ पे। मीडिया से? हाँ, आपका देखा मैंने उस पे, करनाल लोक सर के नाम से है। करनाल लोक सर के नाम से। पवन आपका नाम है ना? जी जी पवन। तो फिर आप जैसे आपने कैप्चर कर लिया, फिर क्या करते हैं? इसको ठीक करके हम फ्री कर देंगे, जैसे ही ठीक हो जाएगी देन इसको जंगल में फ्री कर देते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया वहीं पे करते हैं। तो ठीक करने मतलब आपने अपने ही लगा रखा है वो? शेल्टर बनाया हुआ है रेंट पे मेरी अभी जो ने। जय श्री राम जी। फिलहाल इस बच्ची को हमने रेस्क्यू कर लिया है और अभी हम फिलहाल हैं कुरुक्षेत्र का, कौन सा एरिया है दीदी? ये सेक्टर है, सेक्टर सात। सेक्टर 7 में कुरुक्षेत्र में। और ये केस आया था, शुभ नाम आपका? मेरा उपासना। उपासना दीदी है, इनका कुछ ही घंटे पहले मेरे पास कॉल आया था और हम एक अदर केस पे थे, तो फिर मैंने केस पे तो मैंने एक और पे जाना था अर्जेंट, बट उसको थोड़ा हम लेट भी रेस्क्यू कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन मुझे जिस हिसाब से देखा मैंने, ये प्रेग्नेंट है और अभी ये गिर भी गई है एक बारी रेस्क्यू करते टाइम क्योंकि जंपिंग लगाई इसने। और उपासना दीदी का मैं दिल से थैंक यू। कहाँ, कब पता लगा आपको इसका? ये आज दोपहर को हमारे घर के बैक साइड में ये अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। ओके। और दोनों पैर से चल नहीं पा रही थी, तो कुछ घंटे नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि आप पूरे आधे घंटे के अंदर अंदर करनाल से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो प्रभु ने आपको एक मतलब हमें एक जरिया बना दिया, आप जो है रेस्क्यू के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इतनी जल्दी मैंने आज तक नहीं देखा है कि एक बेजुबान जानवर के लिए इस तरह से। एक्चुअली क्या होता है मंकीज के केस को ना बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं, डरते हैं कि अटैक कर लेगा, और आप लोगों को भी ये डर था 99% क्योंकि मैंने, और आप लोगों ने रेस्क्यू करते टाइम देखा भी है कितनी इजीली से, फिर समझाने के बाद क्योंकि ये लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करते हैं, अगर इनसे थोड़ा प्यार से बात की जाए क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है उनको ये होता है काट लेगा अटैक कर लेगी, तो नहीं नहीं ये चीज बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो कुरुक्षेत्र में कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि हम डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, तो मंकीज के लिए मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ही आपका नंबर दिया कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर का भी और दीदी का। एंड आपका शुभ नाम सर? मेरा कमलदीप नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ मीडिया में भी हूँ और पता लगा था हमें कि आप ऐसे, हमने आपके ब्लॉगिंग देखी है कुछ और कुदरती आप आगे। पवन जी मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि इतनी जल्दी आप आना करनाल से कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 का, कम से कम 35 मिनट 40 मिनट का यहाँ से अगर आप रास्ता होगा, अगर आप पहुँचने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद आते हैं, लेकिन ये लोग आधे घंटे में, आप प्रॉपर करनाल से आ रहे हो? बिल्कुल प्रॉपर करनाल, आधे घंटे में ही आ गए। बेसिकली जो बंदर मंकी थी ये हमें लग रहा था जैसे प्रेगनेंट है और चल नहीं पा रही थी, और सुबह से ही हम लोग भी परेशान हो रहे थे कि इसको कैसे किया जाए, हमने करने की कोशिश भी करी, खाना खोना खिलाया सुबह से अब तक कर रहे हैं, लेकिन फिर सुजन्या मिला इनका, पवन जी का, और आपका बहुत बहुत आभार हमारा कि आप टाइम पे पहुंचे और इसको रेस्क्यू किया है। और टीम का ऑलरेडी थैंक यू, आपका भी है, छोटे छोटे बच्चे साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, और एक भाई और साथ में, तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने कॉल किया और ऊपर वाले ने एक जरिया बना के यहाँ तक भेज दिया। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करता एक मेरी कर और यहाँ भी करता रहता हूँ, मैं अपील करता रहता हूँ, लेकिन आपके सुझाने से और भी अपील है, आप कुछ अधिकारी सुन रहे हो, पर्यावरण के अधिकारी सुन रहे हो, कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 एक ऐसा इलाका है जहाँ के बंदर ही बंदर हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं, यहाँ बंदरों ने यहाँ तक मचा रखा है और कई लोगों को काट चुके हैं यहाँ,
और कुछ रेस्क्यू टीम आई थी, दो चार बंदरों को पकड़ के भी लेगी, लेकिन वो उससे समस्या हल नहीं होती है। तो आप लोग भी जो उच्च अधिकारी हैं पर्यावरण के हैं, मैं आपके सुझाव से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा हो आपके पास कि बंदरों को रेस्क्यू करके इनको इनके स्थान पर छोड़ा जाए और ये जो आवासीय स्थान है इनमें बंदर ना। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, हमें नीड है जंगलों के अंदर फल फ्रूट के पेड़ की, क्योंकि अक्सर मंकी आते हैं शहर में, जंगल से आते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता पेट भर के। लोग बोलते हैं कि ये अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब मिलेगा नहीं ढूंढेंगे कहाँ से। तो जंगल के अंदर अगर फल फ्रूट के पेड़ होंगे तो शायद शहर में बंदर को आने की जरूरत ना पड़ेगी। और ये फॉरेस्ट अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, हम लोगों से जितना हो पाता है इंसानियत के नाते हम अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं, बाकी परिणाम फल ऊपर वाला देता है और हमेशा से ही कर्म करते रहेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद और ऐसे ही अपना साथ देते रहे। थैंक यू।